हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आप देख सकते हो मैं किस गाड़ी में बैठा हूँ, स्कॉर्पियो एन जो वेरिएंट है Z6। और ये गाड़ी है अपने दोस्त की, जिसकी डिलीवरी 18 तारीख को होगी। अभी फ़िलहाल क्या है, देखो पूरी गाड़ी को खोल रखा है और अभी इसमें सामान वामान डल रहा है ताकि डिलीवरी के टाइम हमको मतलब टाइम नहीं लगे, लेट नहीं हो, तो गाड़ी 9:20 मिल जाए, डिलीवरी तुरंत हो जाए। तो ये है Z6 वेरियंट गाइज। अलाइविल इसमें आते नहीं है, बाकी स्टेयरिंग ये देखो, क्रूज कंट्रोल वगैरह, डी कट स्टेयरिंग है। अब क्या है, मैं चाबी घुमा नहीं सकता क्योंकि इधर दीवार है, आगे पीछे गाड़ी का काम हो रहा है। ये देखो सामान कैसे फैला पड़ा है। तो सीट अपनी ये है, आठ सीटर गाड़ी है ये। और बाकी स्पेस वगैरह तो बाकी खूब है यार, अपनी बिलोरों से तो, और लग्जरी कितनी है, फॉर्चुनर जैसा फीलिंग आ रही है इसमें। और हैंड ब्रेक देख सकते हो आपका कितना मस्त वाला है, एकदम फीलिंग ही अलग है हैंड ब्रेक की तो। और ये गियर लीवर देखो, बाकी यार बिलोरो से और हाँ स्कॉर्पियो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ये देखो गियर लीवर कितना मस्त है, ये है मैनुअल। तो इसमें Z6 में क्या है, ऑटोमेटिक भी आता है, तो इन्होंने क्या है मैनुअली डिसाइड किया है। तो ये इसकी डिलीवरी 18 को हो जाएगी, तब इसकी वीडियो जब डिलीवरी वाली होगी तब इसकी वीडियो आ जाएगी। और 18 को जब इसकी करवाएंगे, जब पूरी गाड़ी की यार सांग खिला पड़ा है, जब इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज है। सबवूफर इसमें आते नहीं है, 4 स्पीकर के वो हैं, दो ट्विटर और डोर वाय डोर में सारे स्पीकर का कंट्रोल मतलब स्पीकर। बाकी एंड्रॉयड सिस्टम आप देख सकते हो, टच स्मूथ है, एकदम बढ़िया काम कर रहा है। और बाहर से मैं दिखा देता हूँ, अभी क्या अंदर की बात कर लेते हैं। कप होल्डर दो और आर्मरेस्ट, हर क्वालिटी इसकी वो नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, प्लास्टिक मटेरियल है। ये देखो ये भी प्लास्टिक मटेरियल है। डोर की आप फिनिशिंग देख सकते हो, देखो भाई हर प्लास्टिक मेटल है ये, मतलब सॉफ्ट में नहीं है। जो एन जो है Z8 लग्जरी, उसका सॉफ्ट आता है पूरा इंटीरियर, मतलब कलर तो ऐसा ही रहता है लेकिन सॉफ्ट आता है। और अपने पावर कंट्रोल इधर मिल जाते हैं आपको, इधर चारों के चारों। बाकी ये देख सकते हो लॉक अनलॉक, ऑटोमेटिक मिरर नहीं है, मैनुअली करना पड़ेगा। तो ये एसी वेंट की ये देख सकते हो क्रोम फिनिशिंग दे रखी है हल्की हल्की, मतलब यहाँ से क्रोम नहीं है, यहाँ पे ब्लैक है क्रोम उसमें आती है लग्जरी में। और एयरबैग, 6 एयरबैग है गाइस इसमें, 6 एयरबैग है, 6 एयरबैग है। और सनरूफ आती है इसमें, देखो गाइस Z6 में सनरूफ आती है। और बाकी इसमें मिस्टेक अलाइविल नहीं है। अभी मैं बाहर से दिखा देता हूँ, तो डोर की क्वालिटी देखो गाइस बहुत हैवी है। और ये देखो मेरी हाइट बस थोड़ी सी हल्की सी ऊंची है, डोर इतना चौड़ा चौड़ा है, मतलब इतना बड़ा डोर है। बैठने में एकदम सेंसर जैसी फीलिंग आती है गाइस। और पीछे का आप स्पेस देख सकते हो, अब ये मेरे अकॉर्डिंग सीट है, तो मैं देखो खुले आराम से बैठा हूँ। और पीछे भी, और पीछे देख सकते हो सीट अपनी काम चल रहा है, तो यार थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो। ये देखो इसकी एक्सेसरीज वगैरह इस डब्बे में जो डल रही है, 18 को कंप्लीट हो जाएगी जब आपको पूरी गाड़ी दिखा देंगे। बाकी बाहर से दिखा देता हूँ गाइस, गाड़ी अपनी वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें बताएंगे तब जब इसकी डिलीवरी होगी तब। बाहर से देखो गाइस, तो स्टॉक रिम आती है, अलाइविल इसमें आती नहीं है, डलानी पड़ेगी। और आगे से देख सकते हो हैलोजन लाइट का वो है सेटअप, फॉग लाइट इसमें मिलती नहीं है गाइस। ग्रिल आप देख सकते हो मैट क्रोम में है। ये देखो अभी क्या है, पीछे दीवार है तो पूरी गाड़ी फोकस नहीं हो रही, जब डिलीवरी होगी तब देखना। और रूफ रेल आप देख सकते हो, वह काफ़ी हैवी क्वालिटी की है। ये देखो भाई बहुत हैवी है, लटक भी सकता हूँ इस पर। पीछे से दिखा देता हूँ इसका डिज़ाइन, तो पीछे से स्पेस कुछ ऐसा आता है, सीट अगर फोल्ड हो जाती है तो स्पेस आप पे भरपूर है। और अभी क्या है, काम वाम चल रहा है डोर में। तो ये देखो इधर आपके टूल किट, टेल में LED लाइट, आगे हेलोजन लाइट, फ्यूल टैंक वगैरह इधर है, DPF। और इस भाई की गाड़ी है जो 18 को लेने आएंगे, तब मैं भी आ जाऊंगा, जहाँ तक कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो
आपको पूरी इसमें मतलब पूरी, अभी क्या है हम जल्दी में भी हैं और इधर शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, बाकी पूरी डिटेल जब लेंगे इसकी, जब अपने घर आ जाएगी ये लेके आ जाएगा, तब इसको अच्छे से बनाएंगे इसके ऊपर वीडियो, कोई दिक्कत नहीं गाइज। तो गाइज अब घर चलते हैं और ये तीनों गाड़ी को डिलीवरी है अब हाल फिलहाल, जेटू स्कॉर्पियो क्लासिक और थार, और अब अपनी बिलोरम चलते हैं। और हालांकि हम आए क्यों थे कंपनी में वो आपको बताता हूँ, अपनी गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ DPF ऐसा कुछ लोगो आ गया था उसमें, तो इंजन में थोड़ी सेंसर की प्रॉब्लम थी, तो वो सही हो चुकी है, अब उसको करवा के अब हम घर जा रहे हैं। गाड़ी खड़ी है बाहर, बाहर कर दिए और फिर से इसी कंपनी में आ गए, गाड़ी अपने ली थी रेवाड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये Z2 है, ये Z6 है, इसकी डिलीवरी तो यहीं होगी, जब मैं ये मतलब टाइम लगेगा मैं आ जाऊँगा तब और वीडियो बना लेंगे जब इसकी डिलीवरी होगी, तो फिलहाल आप घर चलते हैं। अच्छा सिंह, तो गाइज ये खड़ी अपनी बोलेरो जो अभी सही हो चुकी है, अब चलते हैं घर। तो वीडियो में इतना ही गाइज, और वीडियो एंड करने से पहले मैं दिखा देता हूँ कि उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी, मैं आपको फ़ोटो सेंड करूँगा कि ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस पर देखना फ़ोटो आपको शो हो जाएगी अभी इसी वीडियो के एंड के बाद, तब देखना इसमें प्रॉब्लम क्या थी। वीडियो में इतने गाइज, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक लिए टाटा बाय बाय। आगे से देखो लुक भाई, देसी तो यही गाड़ी है एंड ले लो खूब, लेकिन अब क्या मन को तसल्ली देनी पड़ेगी, अब तो यही है अपनी। चलो गाइज मिलते हैं।